हेलो बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, आज के लेक्चर में वी विल बी फोकसिंग ऑन द कैपेबिलिटी अप्रोच। अच्छा, कैपेबिलिटी अप्रोच इज गोइंग टू बी अ सेपरेट चैप्टर इन इटसेल्फ। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसमें आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू एट इंटायरिटी कि कैपेबिलिटी है क्या। पूरा नहीं समझा पाऊंगी कि क्या है, उसके लिए पूरा एक चैप्टर है इस पर। बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ बिगनिंग टू वॉट कैपेबिलिटी अप्रोचेस। ठीक है, लिसन। फ्रीडम दैट अ पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग्स गिवन हिज पर्सनल फीचर्स एंड हिज कमांड ओवर कमोडिटी। क्या है कैपेबिलिटी? जो फ्रीडम एक इंसान को मिलता है, द फ्रीडम दैट अ पर्सन हैज ओवर वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, कि वो किसी भी चीज के साथ क्या करना चाहता है, क्या उसे उस चीज का फ्रीडम है। डज अ पर्सन हैव फ्रीडम टू डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू विद वॉट ही हैज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी श्योर आप में से कितनों ने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दिस सीरीज। देर वॉज दिस सीरीज, एक सीरीज था पाब्लो एस्कोबार के ऊपर। आई वॉच दीज थिंग्स, उसके बाद आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ द सीरीज। अरे, पूरा ड्रग के ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज था। हाँ, ओके, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। ए पाब्लो एस्कोबार के ऊपर सीरीज था। तो उसमें बहुत एक ऐसा सीन था जिसमें व्हाट दिस पर्सन डिड ना, तो ये बेसिकली ये पूरा वो ड्रग्स में डील करते हैं, एंड यू नो ही वाज अ ड्रग माफिया, एंड पूरा इलीगल काम में ही यूज्ड टू डील विद इट। सो वंस यू नो ही वेंट टू अ प्लेस विद हिज फैमिली। ही वाज एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस, आसपास हर तरफ से पुलिस थी और वो कहीं पे जाके छुप गए थे। और वो बहुत ज्यादा एक ठंडी जगह थी, इट वाज वेरी कोल्ड प्लेस। एंड ही वॉन्टेड टू गो अहेड एंड एस्केप फ्रॉम द पुलिस। तो दे वेंट टू अ प्लेस एंड वहां जाके वो वहां पे जाके यू नो दे जस्ट हिड समवेयर, कहीं पे जाके छुप गए। और वहां पर हिज डॉटर, शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, है ना। एंड वहां पर जो भी आग जल रही थी उसको जलाए रखने के लिए कुछ सामान चाहिए था, जिसको जला कर आप कंटिन्यू कर पाओ ताकि फायर जलती रहे एंड यू फील द वॉर्म। यू वॉन्टेड टू गो अहेड एंड पुट समथिंग इन द फायर सो दैट ही कुड फील द वॉर्म आउट ऑफ इट। हिज डॉटर कुड फील द वॉर्म, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सो वॉट ही डिड वॉज कि उनके पास, ही वॉज इन इलीगल बिजनेस, इट्स लाइक ही वॉज लिटरली प्रिंटिंग नोट्स, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा था। तो उसने वो सारा का सारा जो उस टाइम पे उसके पास वो पैसा था, ही जस्ट पुट दैट टू फायर ताकि वो फायर जनरेट कर पाए एंड उससे उसकी डॉटर सेफ रह पाए और यू नो वो उतना ठंड में सरवाइव कर पाए। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कैपेबिलिटी। एक्चुअली फ्रीडम दैट अ पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग्स गिवन द कमांड ओवर कमोडिटी। जो कमोडिटी है मतलब पैसा, उसको वो कैसे यूज करना चाहता है, उस चीज का फ्रीडम होना। हाउ ही वॉन्ट्स टू यूज हिज मनी, हिज इलीगल मनी, द फ्रीडम टू यूज इन द वे ही वॉन्ट्स टू यूज हिज मनी इज हिज केपेबिलिटी। समझ लो। सो लेट्स रीड दिस आउट बेटा। फ्रीडम दैट अ पर्सन हैज इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ फंक्शनिंग्स गिवन हिज पर्सनल फीचर्स एंड हिज कमांड ओवर कमोडिटीज, इसी को हम केपेबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। वी कॉल दिस एज केपेबिलिटी अप्रोच। नाउ कैपेबिलिटी अप्रोच एक्चुअली गोज अहेड एंड इट एक्चुअली टेल्स अस व्हाई डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट दे गो अहेड एंड दे पुट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट। इन चीजों पर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इतना फोकस क्यों करती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे? क्योंकि अगर आप हेल्दी होगे तो आप जिस तरीके से एक चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, इसके लिए लेट्स कंसिडर टू सिचुएशंस बेटा। सिचुएशन वन, यू आर वेरी हेल्दी, यू हैव एग्जाम इन 5 days एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। सिचुएशन टू, इसी टाइम पर यू कैच फीवर, कोल्ड,
एंड वो ही 5 दिन में यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. व्हाट इज अ बेटर सिचुएशन व्हेन यू आर हेल्दी. तभी तो इतने घंटे यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड स्टडी फॉर आवर्स टू कम, है ना. सो दिस बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स टेल अस व्हाई दीज इकोनॉमिस्ट दे गो अहेड एंड दे पुट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन हेल्थ. बिकॉज इफ यू आर हेल्दी देन द वे यू विल बी एबल टू यूज द कमोडिटी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेन यू आर अनहेल्दी. जब आप हेल्दी हो और आप किस तरीके से उस सामान को यूज कर रहे हो, जो भी चीज को यूज कर रहे हो, वो बहुत अलग होगा. अपने टाइम को जिस तरीके से आप इन 5 दिनों में यूटिलाइज करोगे जब आप हेल्दी हो वर्सेस जब आप अनहेल्दी हो, इट विल बी डिफरेंट. सो हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड यूज अ कमोडिटी डिफर्स बेस्ड ऑन योर हेल्थ कंडीशन, डिफर्स बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, डिफर्स ऑन हाउ सोशली इंक्लूसिव यू आर, कितना सोसाइटी में आप एक्सेप्टेबल हो. टेक एन एग्जाम्पल, सपोज आई टेल यू दैट दिस इज अ वेरी यू नो टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. सपोज इमेजिन देर इज अ गर्ल, एक लड़की है एंड अ बॉय, एंड दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट रिलीजन. ओनली कास्ट भी छोड़ दो, डिफरेंट रिलीजन, रिलीजन ए रिलीजन बी, एंड दे गेट मैरिड, है ना. दे आर वेरी एजुकेटेड, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, वेल टू डू, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, गुड अर्निंग्स, राइट. एंड इन देयर फील्ड, जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, दे गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. बट सपोज वेन शी विजिट्स द बॉयज फैमिली और ही विजिट्स द गर्ल्स फैमिली, सपोज दे आर ट्रीटेड वेरी बैडली, है ना, तो आर दे कंप्लीटली यूजिंग देयर कैपेबिलिटीज? नो, क्योंकि वेन दे आर गोइंग टू दोज फैमिलीज दे आर लूजिंग ऑन देयर हैप्पीनेस, दे आर नॉट फीलिंग सोशली इंक्लूडेड. और अगर वो सोशल इंक्लूजन नहीं है तो समवेयर डाउन द लेन दे आर लूजिंग ऑन देयर सेल्फ एस्टीम, है ना. तो सोशल इंक्लूजन तक, विमेन एम्पावरमेंट तक, है ना. जैसे आउटसाइड इंडिया देयर इज दिस वेरी बिग इशू ऑफ ब्लैक वर्सेस नॉन ब्लैक और व्हाइट वर्सेस नॉन व्हाइट्स, है ना. हाउ एम्पावर्ड यू आर इन द सोसाइटी, यू मे हैव एवरीथिंग बट आर यू गेटिंग द राइट रिस्पेक्ट फ्रॉम द राइट प्लेस, है ना. तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है, इट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद मनी. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज ऑल ऑफ दिस टुगेदर विल गो अहेड एंड डिटरमाइन योर केपेबिलिटीज, ठीक है. तो देयर हैज बीन अ केस ऑफ ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट. माने ऐसा देखा गया है इन मेनी कंट्रीज दैट ऑल्दो देयर हैज बीन इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल, देयर हैज बीन इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ द कंट्री और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, स्टिल इट हैज बीन सीन दैट देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, नो इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एक्सेट्रा, है ना. तो इसी का एक रिवर्स एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो, सो इमेजिन दैट देर इज दिस फैमिली, बिजनेस फैमिली, जो बहुत ज्यादा रिच है, हु आर वेरी वेरी रिच, राइट. एंड नाउ दे कैन गो अहेड एंड टीच देयर कमिंग जनरेशन, अपने आने वाली जनरेशन को वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं एंड दे कैन एजुकेट देम वेल. बट इमेजिन इफ दिस फैमिली इज ऑफ द थॉट प्रोसेस कि पढ़ा के क्या करना है, पैसा तो है ही. इफ देयर ऑफ दिस थॉट प्रोसेस दैट देयर इज नो नीड फॉर अवर चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन, वी आर रिच, वी विल रिमेन रिच, वी विल बी रिच, व्हाट्स द नीड ऑफ देम पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्डवर्क ऑन एजुकेशन, देन इज दिस डेवलपमेंट? नो, इट कैन बी ग्रोथ, पैसा बढ़ सकता है, बट कैन इट बी डेवलपमेंट? नो, राइट. सो वी वॉन्ट ग्रोथ विद डेवलपमेंट, राइट. नॉट ओनली ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ का काम नहीं है, ग्रोथ सिर्फ पैसा बढ़ाए, बट वी नीड डेवलपमेंट ऑल्सो.
So there have been cases where it has been seen that there has been growth but without development. So according to Amartya Sen, अगर हम सेन की बात करें, according to Amartya Sen, he has gone ahead and he has talked about human well-being. And he has defined human well-being as being well. कैसे बताया उन्होंने? Human well-being refers to being well. Being well means what? अच्छे से रहना. And what does his, according to him, how can one be well? कैसे वो well रह सकते हैं? Well means in a good state. How can one be at a good state? If the person is well nourished, उसको अच्छा nutrition मिल रहा है. The person is well clothed, he gets good clothes. The person is literate, he has good education level. And the person lives for a long period of time, which means his health is in a good condition. So according to Amartya Sen, according to Amartya Sen, human well-being, human ka jo well-being hai, what is human well-being? According to him, human well-being is to be well, to be in a good state. And how can you be in a good state? When you are well-nourished, jab aapke paas acha khana ho, well-clothed, literate and long-lived. Along with this, your well-being will also be defined on these things. Being mobile. क्या आपको इजाजत है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाओ? Are you allowed? Allowed क्या? Do you have the freedom to move from one place to another? Physically secure and freedom of choice. Do you have the freedom to do what you want to do? अगर ये सब है, then you are being well. And if you are being well, अगर आप well हो, then it will be called as human well-being, right? So there are three objectives that Amartya Sen goes ahead and he mentions. तीन objective Amartya Sen mention करते हैं. The first one is increasing availability and widening distribution of life-sustaining goods such as फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन. ये हो गया जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक नेसेसिटीज. सबसे पहले वो तीन बेसिक नेसेसिटीज मिल पाए, वो ऑब्जेक्टिव बताते हैं. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बोलते हैं ये चीजें मिलनी चाहिए. खाना होना चाहिए, घर होना चाहिए, सेहत होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए. सो अमर्त्य सेन इनिशियली गोज अहेड एंड ही टॉक्स अबाउट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एज इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ दीज लाइफ सस्टेनिंग गुड्स. जो भी लाइफ की बेसिक सस्टेनेंस है, वट एवर लाइफ बेसिकली, यू नो, फॉर बेसिक सस्टेनेंस, वट एवर थिंग्स यू रिक्वायर, दोज थिंग्स शुड बी अवेलेबल टू यू. यू शुड बी एबल टू वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज गुड्स, है ना. एवरीबडी शुड हैव फूड, एवरीबडी शुड हैव शेल्टर, एवरीबडी शुड बी इन अ गुड हेल्थ एंड शुड फील प्रोटेक्टेड. ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज रेजिंग द वेलबींग. अब जब एक बारी लोगों को ये बेसिक चीजें मिल गई, वंस पीपल हैव गॉट गुड हेल्थ, दे हैव गॉट प्रोटेक्शन, दे हैव गॉट फूड, दे हैव गॉट शेल्टर, दे हैव गॉट क्लोथ्स, ये बेसिक नेसेसिटीज मिल गई, नाउ वी विल इम्प्रूव देयर वेलबींग. वी विल इंक्रीज देयर इनकम, वी विल गेट देम बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन, बेटर ह्यूमन वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम. तो ये एक लेवल अब हम ऊपर गए. वी आर सेइंग कि ठीक है, घर है, खाना है, सेहत है, ओके, यू हैव गॉट होम, यू हैव गॉट शेल्टर, यू हैव गॉट फूड, यू हैव गॉट क्लोथ्स, गुड. नाउ वी विल टेक यू वन लेवल अप एंड द नेक्स्ट लेवल इज हायर एजुकेशन, इनकम, बेटर लाइफ एंड सेल्फ एस्टीम. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल. आप ऊपर जाते हैं जहां पे आपको पैसा भी चाहिए, पैसे के साथ साथ अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको ज्यादा इज्जत चाहिए और आपको ह्यूमन वैल्यूज बेटर इनकलकेट करनी. यू नीड टू टीच ह्यूमंस द राइट वे टू लिव द लाइफ. Now, once that has happened, the last objective of development is even a higher stage in which we are talking about development in the nation as a whole. अब हमें चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी नेशन किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे. नो, अरे वाह, द बलून्स हैव कम. आई डोंट नो वेयर दीज बलून्स कम फ्रॉम इन माई क्लास यार. ओके, गुड, लक चार्म. ओके, सो नाउ वी आर सेइंग दैट नाउ इंडिविजुअल्स एंड नेशन शुड बी एबल टू गो अहेड एंड शुड बी एबल टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ अदर. मैं किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहूं, किसी भी तरीके से मैं अपने सारे काम खुद कर पाऊं. हाँ, मेरी जो भी
चॉइसेस मैं बना रही हूँ. सर फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे सपोज आई नीड टू गो टू सपोज एक्स वाई जी प्लेस. सपोज अभी मैं आई एम लिविंग इन दिल्ली एनसीआर एंड आई नीड टू गो टू बॉम्बे, है ना. टू मेक दिस डिसीजन इफ आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम समवन एल्स, मेरे चॉइस के लिए अगर मुझे किसी और पे डिपेंडेंस है, राइट. इफ आई एम गोइंग अहेड एंड आई एम बीइंग डिपेंडेंट ऑन माय चॉइस ऑन समवन एल्स, इफ आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम समवन, कैन आई गो, कैन आई प्लीज गो एंड टेक गिव अ टॉक, कैन आई गो टू सम अदर प्लेस, देन दिस इज नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट. सो एक्सपैंडिंग रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइसेस अवेलेबल टू इंडिविजुअल, जो भी चॉइसेस हमें अवेलेबल हैं उसका रेंज बढ़ाओ एंड फ्रीइंग देम फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल एंड नेशन. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एंड नेशन. तो व्हेन यू विल बी एबल टू गो अहेड एंड डू दैट, जब आप ये हटा पाओगे, हाँ एक तरीके का डिपेंडेंस हटा पाओगे बाकी लोगों के ऊपर से अपना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर डेवलपमेंट, है ना. बट दिस वर्ड इज सर्विंग टू सर्विट्यूड, राइट. समटाइम्स माई राइटिंग कैन बी बैड, तो मेरे को एक बार बताना जरूरी होता है, राइट. ओके, सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट. आई होप दीज आर क्लियर टू यू. तो नाउ बेटा, वंस वी हैव अंडरस्टूड द केपेबिलिटी अप्रोच, थोड़ा बेसिक में ही सही, देर वॉज दिस इंडिविजुअल, आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज नेम वॉज डुडली सियर्स. And Dudley Sears, he basically addressed the meaning of development in 1969. उन्होंने बोला इस तरीके के ना हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि what is happening to poverty? हमारी कंट्री में क्या पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है? What has been happening to unemployment? Is unemployment reducing over time? What has been happening to inequality? Is inequality reducing over time? So we should go ahead and we should ask questions like these. Right? Right? We should go ahead and we should ask questions like these. And if we are able to get assertive answers, agar hame better answer mil rahe ki yes, poverty has fallen, unemployment has fallen, inequality has fallen, then we are on the path of development. Tab hamara development theek se ho raha hai. Right? So try to understand that development must be taken in the right sense. Development में हमें सिर्फ income से relation नहीं है. We need to focus on other aspects also and see if on those aspects we are doing well or not. क्या हम poverty को कम कर पा रहे हैं या नहीं, inequality को कम कर पा रहे हैं या नहीं, unemployment को कम कर पा रहे हैं नहीं, and so on and so forth. How we measure poverty, how we measure inequality is some other day's lecture. कभी और बताऊंगी कि क्या गिनीज कोएफिशिएंट होता है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, अलग अलग तरीके क्या हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, दैट इज सम अदर लेक्चर. जस्ट दैट फॉर नाउ वी वांट टू नो दैट वी शुड आस्क दीज क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड वेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. ओके, ठीक है बेटा.